आइए जानते हैं कि सिर्फ 2 रुपए में दूर करें कोहनी और घुटनों का कालापन। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है आपके स्वास्थ्य से, कुछ चमत्कारी उपाय, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, गर्मियों में जब हम छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं तो कोहनी और घुटने के कालेपन को लेकर कई बार लोग हमें टोक देते हैं, तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और कई बार हमें हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। आमतौर पर महिलाओं और पुरुष दोनों में ही इस प्रकार की समस्या को देखा जाता है, क्योंकि ये समस्या एक आम समस्या है। कोहनियों पर कालापन वास्तव में मैल की परत होती है। ठीक प्रकार से इनकी देखभाल ना करने पर हमें ये अंजाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। इन्हें आजमा कर आप कुछ ही दिनों में कालेपन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शरीर में जोड़ों का कालापन कोई चौंकाने वाली समस्या नहीं है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों के मुकाबले जोड़ों की स्किन थोड़ी मोटी होती है, जिसके चलते ये आसानी से काली हो जाती है। कोहनी और घुटनों के कालेपन के पीछे कई कारण होते हैं। जब डेड स्किन सेल्स कोहनी या घुटने पर जम जाती है तो ये काले हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम कोहनी और घुटनों को साफ करने की मंशा से ज्यादा रगड़ देते हैं तो ये साफ होने के बजाय और काली पड़ जाती है। कोहनी और घुटनों पर अधिक बल रखने से भी ये काले होते हैं। कई लोग के सहारे बैठकर घर में पोछा या डस्टिंग करते हैं, जो कालेपन होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जोड़ों का कालापन जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। ओवरवेट यानी कि हद से ज्यादा मोटापा भी कई बार कोहनी और घुटनों के कालेपन की समस्या पैदा कर देता है। कोहनी और घुटनों के कालेपन से छुटकारा पाने के लिए आज जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं उसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर फॉलो करें, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले खीरे की 4 स्लाइस बना लें। अब 1 स्लाइस लें और उसे 10 से 15 मिनट तक प्रभावित अंग पर रगड़ें। इसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दें और उस प्रभावित अंग को ठंडे पानी से धो दें। दूसरी प्रक्रिया स्क्रब की है। स्क्रब करने के लिए एक कंटेनर में बेकिंग सोडा लें। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मात्रा में दूध डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे 5 मिनट तक कालेपन वाली जगह पर स्क्रब करें। आप स्क्रब के दौरान ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा अच्छी तरह साफ होगी। अब व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए 2 चम्मच प्याज का रस, 2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन लेकर इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स करें। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को डीप तक नरिश करता है और कालेपन को हटाता है। नींबू में 6% सिट्रिक एसिड होता है जो स्किन टोन को हल्का करता है। शहद एक नेचुरल ब्लीचिंग है और ये स्किन पोर्स को साफ और चमकदार बनाता है, तथा बेसन एक स्किन व्हाइटनिंग एजेंट है। ये चेहरे को साफ करने के साथ ही दाग धब्बे को भी दूर करता है। इस पैक को 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। अब साफ पानी से धो लें। दोस्तों, हमारा दावा है कि इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करने के बाद ही आपको कोहनी और घुटनों के कालेपन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जुड़े रहिए संजीवनी बूटी फॉर लॉन्ग लाइफ के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे।